वो नमस्ते से मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया पब्लिक सो so, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग जैसा कि आप ये देख सकते हो मोस्ट इग्नोर चैप्टर तो कौन सा चैप्टर है इसे कमेंट में आप लोग को लिख के बताना है अभी देखो आगे चले जाओगे तो पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर उसके पहले फटाफट कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन सा चैप्टर है ए एफ एम का मोस्ट इग्नोर चैप्टर यस एंड मैं आपको बता देता हूँ मेरी एक कहानी मैंने भी ये चैप्टर को अपने टाइम पे फ्रेंकली स्पीकिंग इग्नोर किया था और uh, हुआ क्या था हमारे टाइम पे एफ आर डिफिकल्ट आया था एफ तो आर में आई एग्जामिनेशन फोकस वॉज ऑन सी एफ एस कंसोलिडेटेड गुडविल एंड शेयर मर्जर वाला चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये चार कर लिया तो समझ लो आप एटी फाइव नाइनटी परसेंट तो आपका हो गया हमारे टाइम पे आए थे कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी हुआ करते थे बैंकिंग का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ईवीए uh, जीवीए और ऐसे तीन चार चैप्टर्स थे वैल्यू एडेड शेयर समथिंग

बोलता ना एक अच्छा एवरेज स्कोर लेकर जाने में सो ऑब्वियसली आई गेम एग्जाम सबकी हालत हम लोग की टाइट थी बिकॉज एवरीबडी इग्नोर दैट एंड फोकस कहीं और था और वो तो एकदम डिफिकल्ट है उस दिन घर पे जाके मैंने सबसे पहला काम किया हमारे टाइम पे एस एफ एम हुआ करता था सबसे पहला मैंने काम किया मैंने भाई जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जो मैं इग्नोर करता था क्योंकि फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज ये तो सब म्यूचुअल फंड सब करके जाएंगे बट ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं छूट जाता है तो मैं गया मैंने थ्योरी पढ़ा और उसी दिन पे मैंने फटाफट से ये चैप्टर कर लिया जिसका नाम है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन या जिसको बिजनेस वैल्यूएशन भी बोलते हैं एंड जी हाँ यही है आज का अपना टॉपिक और इसमें ना काफी सारे छोटे छोटे चीजें हैं विच कैन डेफिनेटली कम फॉर योर टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट इन एमसीक्यू स्पेशली थिंग्स लाइक ये देखो ईवीए है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रोफिट अट बीटा प्रोजेक्ट बीटा मैंने यहां पे लिया है फ्री कैश फ्लो मॉडल्स सो बहुत ही सिस्टमेटिकली इसको समझेंगे एंड डेफिनेटली वी विल डू इट बट उसके पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज एंड नोटिफिकेशन दबा देना बेल आइकन दबा देना वाई बिकॉज कुछ भी अपडेट आया मेरी तरफ से जो आने ही वाले आपके एग्जाम तक बहुत सारी चीजें विच इज गोइंग टू एंश्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई इन दिस सब्जेक्ट

Uh, like the uh, channel and the videos so that things go in a proper direction to so, chalo yaar on that note start karte hain with the quick fire revision of this chapter aur main kya karne wala hu aapko pata hai is chapter mein concept के साथ साथ मैंने master sums लिए हुए हैं जैसा आपको पता होगा मैजिक बुक में थ्योरी फॉर्मुलाज एंड मास्टर सम्स जो एग्जाम के टाइम पे रेफर करने वो सारी चीजें मैंने यहां पे ली हुई है ठीक है अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है प्लीज डू इट राइट नाउ इफ यू विश के भाई लास्ट का जो 1.5 डेज है वो आपको एकदम अगर टेंशन फ्री बनाना है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट तो यहां पे मैंने क्या किया है कि मास्टर सम्स लिए है तो से अभी मैं आप लोगों को नेट एसेट मेथड बताऊंगा ठीक है या अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड बताऊंगा तो इमीजिएटली वो आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन भी कर लूंगा सो दैट वी आर ऑन द राइट पेज या से फॉर एग्जाम्पल ये एफ का एक क्वेश्चन है फे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का बिजनेस का क्वेश्चन है और उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना है आपको तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया ईवीए का concept कर लिया अपन ने, उससे आ गया, तो मैं साथ साथ में quick fire level पे आप लोग को एक बार एग्जाम्पल्स के तौर पर बेस करवा दूंगा सो so दैट इस चैप्टर का अपना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काइंड ऑफ साथ में हो जाए एंड यू कैन बी वेरी सिक्योर फॉर दिस चैप्टर तो इग्नोर नहीं करना है इनफैक्ट अभी ढंग से कर लेना है मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा रिविजन का जो मेरा होता है कि यूज एक घंटे में कर लू बट मैं एक्स्ट्रा टाइम लूंगा आपको पहले बोल रहा हूँ सो दैट आई कवर मेजोरिटी चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाए क्या बोलते हो सही है तो चलो भाई ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस वैल्यूएशन पहले कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के नाम से जाना जाता था एंड अगेन दो तीन बार सुन लेना मेन एग्जाम के पहले सॉर्टेड हो जाओगे फिर इस चैप्टर में से कुछ भी आने दो आप लोगों को कोई टेंशन कभी नहीं आएगा right, चल सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपन लोग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कैसे किसी भी एंटरप्राइज को वैल्यू करना है ठीक है तीन तरीके हैं किसी भी एंटरप्राइज को वैल्यू करने के फर्स्ट इज कॉल्ड एज असेट बेस्ड वैल्यूएशन जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है Then there is second, which is called as earning based valuation.

द नेट एसे टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू तो आपको बुक वैल्यू लेना है तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे होगा दूसरा रिप्लेसेबल वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू कहते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेड प्रीवेलिंग इन मार्केट उसके हिसाब से होगा या फिर कभी कोई कंपनी लिक्विडेशन स्टेज पे होगी और अपन उसको टेक ओवर कर रहे हैं देखो दो तरह की कंपनीज़ होती है एक की कंपनी ऑलमोस्ट लिक्विडेशन स्टेज पे है एंड उसको अपन लोग टेक ओवर कर रहे हैं उसके लिए उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं एंड दूसरा कंपनी इज डूइंग गुड

लिक्विडेशन स्टेज पे तो 100% परसेंट आपको रियलाइजेबल वैल्यू यूज करना है अगर कंपनी एक ग्रोथ स्टेज पे है तो 100% परसेंट आपको मार्केट वैल्यूज करना है अदरवाइज इफ इट्स अ सिंपल तीन चीजें आती है फिक्स्ड एसेट नेट करंट एसेट इसमें करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज आ गया प्लस डिफर टैक्स अब क्या वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू पे होगा बुक वैल्यू पे होगा या रियलाइजेबल वैल्यू पे होगा दैट डिपेंड्स ऑन द द काइंड ऑफ एंटिटी एंड व्हाट क्वेश्चन स्पेसिफाइज आई होप क्लियर फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग आउटसाइड लाइबिलिटीज के ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज में है डिवेंचर्स बैंक लोन कोई भी अगर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अक्रूड पेंडिंग है वो सब चीजें ऐड हो जाएगी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड तो ये सारी चीजें माइनस अपने को करनी है टोटल एसेट्स में से डिवेंचर्स बैंक लोन्स करंट लाइबिलिटीज वैसे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करंट लाइबिलिटीज दे लिया कंटिजेंट लाइबिलिटीज अगर क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है प्रेफरेंस डिविडेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एवरीथिंग

दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज टोटल एसेट्स बट दिस में नॉट वर्क अगर आपको मार्केट वैल्यू मेथड यूज करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताए क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और फिर कुछ मार्केट वैल्यू के और एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करने होंगे सो so, उससे बेटर है दैट दिस मेथड इज यूज प्रैक्टिकली ऑल्सो तो so, सबसे पहला जो मेरा एसेट मेथड था उसमें net asset method में ही एक part है replaceable method, realizable value, market value method, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग इनकम बेस्ड वैल्यूएशन या अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर जिसमें सबसे पहला है पी रेशियो जो अपना फेवरेट है अर्निंग यील्ड मल्टीप्लायर ऑब्वियसली यहाँ पे जो तो टिपिकल मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है ज पी रेशियो इन टूपीएस तो अगर मेरे को, किसी कंपनी को उसके रनिंग बिजनेस को टेक करना है कोई एडजस्टमेंट बोलता है यू विल है तो हो सकता है कि आपको पी रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस के फॉर्म पे दिया ठीक है सो चूज पी रेशियो ऑफ इक्वेल इनको एंड देर कुड बी सर्टेन एडजस्टमेंट रिस्क हो सकता है कुछ पॉजिटिव एडजस्टमेंट होस्टमेंट हो बेस्ड ऑन द फ्यूचर सिचुएशन इन द सेम वे ईपीएस में भी कोई एडजस्टमेंट हो सकता है तो ईपीएस टिपिकलीज एनपीएटी माइनस प्रेफरेंसिडेंट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ठीक है तो इसके बेसिस पे अपने को ईपीएस मिल जाएगा इसमें भी फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसिस के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट है वी विल गेट द एडजस्टेड पी रेशियो एंड वी विल गेट द एडजस्टेड ई पी एस जिससे अपन लोग को वी कैन यूज इट फॉर अर्निंग मल्टीप्लायर या कैलकुलेशन ऑफ एम पी एस अगेन नॉट दैट मच यूज बट इट इज अ पार्ट ऑफ योड्यूल सो आई हो अपने को समझ में आ गया होगा अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर पार्ट ऑफ अर्निंग ओनली विच इज फ्यूचर में आप यहां पर देख सकते हो या फिर दूसरा है, या एफ एम पी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट के ऊपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जैसा कि उसका नाम है कि भाई देखो पास्ट में आपका जो भी प्रॉफिट आया उससे हमारे को एक आइडिया पता चल जाता है कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया है पास्ट में और क्या आपका ओवरऑल एवरेज है तो इससे मुझे एवरेज पता चल जाता है कि भाई क्या मेरा एवरेज प्रॉफिट में कमाने वाला हूं बट फ्यूचर इज अनसर्टेन हो सकता है फ्यूचर में मेरे को लग रहा हो कि भाई कोई इनकम बढ़ने वाला हो कोई एक्सपेंसिस कम होने वाला हो सो दैट ऑल विल ऑल्सो बी एडजस्टेड सो यहां पे देखो क्या आता है मेरा स्टार्ट होता है एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद में आता हूं फिलहाल यहां पर फोकस करेंगे प्रॉफिट so, so, मैं क्या करूंगा भाई पास्ट ईयर का मेरा जो भी प्रॉफिट आया है उसके बेसिस में मेरे को एक आइडिया आ जाएगा मैं नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में इतने आने वाला है प्रॉफिट एक्जैक्टली पास्ट एंड फ्यूचर इज ऑब्वियसली डिफरेंट बट पास्ट के बेसिस पे मुझे एवरेज पता चल गया तो मैंने यहां पर मेरा एक एवरेज निकाल लिया एक मुझे स्टार्ट मिल गया ओके देन वी कंटिन्यू एड प्रॉफिट लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर सो जो भी फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने वाला है आई एम एडेड दराबर है मेरे को लग रहा है फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है तो फिर उतना मैं लेस कर दूंगा तो प्रॉफिट नॉट लाइकली टू इन फ्यूचर तो वो मैं माइनस कर दूंगा नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर मेरा पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट या लॉस है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो रेगुलरली नहीं होने वाला है खाली एक साल बीच में कभी हुआ होगा उसके बेसिस पे

ठीक है तो उसकी वजह से मेरा पास प्रॉफिट कम दिखेगा इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेट इट मैं क्या कर दूंगा एड एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉसेस समझ में आया इन द सेम वे अगर पास प्रॉफिट कोई एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी इनकम जैसे बोलूंगा ना ये एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए खाली एक एक्स्ट्रोर्डिनरी इनकम की वजह से इतना बढ़ गया है, तो मैं उसको लेवल पे ले आऊंगा कैसे बाई रिमूविंग दैट एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी इनकम तो लेस एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी इनकम समझ में आया एवरीबॉडी सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम विल वर्क अप ये एडजस्टमेंट्स एक बार मैंने कर दिया फिर मुझे मिल जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एक बार एडजस्टमेंट्स को वापस देख लेते हैं सबसे पहले एवरेज पास्ट इयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है क्यू बिफोर टैक्स लेना है सर क्योंकि हम यहां पे बाद में अलग से टैक्स माइनस करने ही वाले हैं टैक्स इधर माइनस हो जाएगा तो इसके लिए इधर बिफोर टैक्स अभी पूरा बिफोर टैक्स का ही मेरा वर्किंग चल रहा है गेट एफ एम पी बिफोर टैक्स इसमें से लेस टैक्स करने के बाद एफ एम पी आफ्टर टैक्स अब आ जाते हैं एवरेज ऑफ पास्ट इयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मैंने स्टार्ट किया एड प्रॉफिट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर तो मुझे जो लग रहा है कि यार फ्यूचर में

तो अभी इधर माइनस कर दो मुझे लग रहा है कि यार कोई मैं एडिशनल प्रोडक्ट रेंज लाने वाला हूं तो उसकी वजह से मेरा रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा यहाँ पे ऐड कर दो समझे डन सो एक्चुअल सॉरी सो प्रॉफिट लाइकली टू इन फ्यूचर देन अगर कोई एक्सपेंसिज है नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर तो वो भी मेरे लिए अच्छी बात है तो यहाँ पे आई विल रिमूव दैट तो फ्यूचर में अगर मेरे को लग रहा है कि कोई एक्सपेंस इंकर नहीं होने वाला है तो आई विल एड एक्सपेंस उतना अब मेरा नहीं होने वाला है प्रॉफिट बेसिकली बढ़ेगा एंड पहले का कोई extraordinary expenses है जो मेरे past year profit में दिख रहा है but it is not going to continue in future, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा सो प्रॉफिट और गेन लाइकली टू अराइज एड बट पास्ट का कोई एक्सपेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो अब इंकर नहीं होने वाला है देन उतना एड बैक सेम प्रॉफिट एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में अगर मैं इनकर्म करने वाला हूं उतना मैं एक्सपेंस लेस कर दूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो पहले हो गया था अब नहीं होने वाला है उतना मैं माइनस कर दूंगा ये सब करने के बाद मुझे मिल जाएगा मेरा एफ एम पी बिफोर टैक्स फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है टैक्स का कुछ नहीं दिया है तो जो करंट टैक्स है वो माइनस कर दो यू विल गेट द एफ एम पी आफ्टर टैक्स ये एफ एम पी आफ्टर टैक्स को अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी एवरीथिंग सब कंसिडर करने के बाद जो मेरा यहां पे ये प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है बॉस ये प्रॉफिटेबिलिटी आर आई बॉस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड व्हेन आई डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट उसको बोलते हैं दैट विल गिव मी माय वैल्यू ऑफ फर्म अब सर ये कैपिटलाइजेशन रेट या रिक्वायर्ड अर्निंग ईल जो रेट है वो सर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा फॉर दैट वी कम टू कैपिटलाइजेशन रेट हियर सो यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड एज के पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट इसका एक जो कॉम्बिनेशन है वर्किंग so, वाइज तो पता ही होगा कि भाई देखो मेरे पास जो सोर्स है पहले वो मैं लिख दूंगा फिर जो मेरे वेट्स है सॉरी uh, फिर अमाउंट है कितना है वो लिख दूंगा उससे मुझे पता चल जाएगा वेट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मुझे मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ईवीए कैलकुलेट करते वक्त भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए तो ईवीए के टाइम पे अपन फिर वापस नहीं करेंगे बिकॉज नाउ वी आर डूंग इट प्रॉपरली सो इधर में लिखूंगा भाई कितना मेरा इक्विटी है इधर में लिखूंगा भाई कितना मेरा डेट है जो भी अमाउंट है वो उस अमाउंट के बेसिस पे मुझे वेट्स मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी दिया हुआ होगा इक्विटी डिविडेंड और डिविडेंट डेट का जो भी होगा तो डेट डेट इन इंटरेस्ट माइनस टी कर दिया एंड आई विल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया एवरीबॉडी यस सर सो ये होता है मेरा कैपिटलाइजेशन रेट सो कैसे कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ बिजनेस इट विल बी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो मेरा यहां पे आया है डिवाइड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट इसमें कई बार रिक्वायर्ड इल्ड भी वो लोग यूज करते हैं सो so अगर समझो क्वेश्चन आपको पी रेशियो देगा तो यू कैन यूज वन अपॉन पी रेशियो वैसे वन अपॉन पीई रेशियो को आर ओ आई भी कहते हैं ठीक है RoE भी कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी सो भाई अगर इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, हो सकता है पी रेशियो से अपने को वन अपॉन पी रेशियो करके रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना पड़े कैन बिकम अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ईपीएस अपॉन शेयर प्राइस भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अर्निंग मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारा मैंने यहां पे आपको दे दिया है ना जैसा क्वेश्चन अपने को बोलेगा वी विल यूज इट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन फाइनली मेरा नेट एसेट मेथड के हिसाब से वैल्यू आ गया है फाइनली मेरा इक्विटी शेयर मेथड के सॉरी एफ एम पी के मेथड पे मेरा वैल्यू आ गया है अब यू कैन यूज बोथ ऑफ देट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर वैल्यू बेसिसक्विटी शेयर एस पर नेट एसेविटी शेयर एज पर एफ एम पी डिवाइड बाई टू जब मैं करता हूं आई विल गेट द प्राइस ऑफ इक्विटी ऑन फेयर वैल्यू बेसिस इसी के साथ मेरे जो फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया आई ऑप समझ में आ गया होगा

डिफॉर टैक्स एसेट्स ऑल ऑफ दिस एडेड दिसर विल गिव मी माई टोटल एसेट्स लेस एक्सटर्नल या जिसको अपन बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवेंचर बैंक लोन कंटीन लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टैक्सियल कैपिटल डिविडेंट ऑल ऑफ दैट पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज रिड्यूस्ड मुझे मिल जाएगा मेरा नेट एसेट एट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिर आ जाता है इनकम बेस्ड वैल्यूएशन एमपीएस इज इक्वल टू पी रेशियो इनटू ईपीएस यहां पे दो तरीके हैं एक है पी रेशियो जहां पे एमपीएस अपॉन ईपीएस अब जो भी मेरा पी रेशो आ जाए आ गया उसमें एडजस्टमेंट रिस्क फैक्टर का कर दूंगा एडजस्टेड पी रेशो आ जाएगा ईपीएस इज ऑब्वियसली एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस नंबर ऑफ़ ओ भी उसमें अगर मेरा ईपीएस में कुछ एडजस्टमेंट करना हुआ तो आई विल गेट एडजस्टेड ईपीएस एंड दैट्स व्हाट आई कैन यूज फिर आता है बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सो एवरेज पास्ट इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूंगा इस बिफोर टैक्स को इस बिफोर टैक्स में मैं अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट अराइज होने वाला है तो ऐड करूंगा अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है पास प्रॉफिट में और इट इज इन्फ्लेटिंग द प्रॉफिट उतना लेस करूंगा सेम वे फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस बढ़ने वाला है तो उतना लेस कर देंगे एंड अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम दिखाया है तो उसको भी लेस कर देंगे सो दैट वी गेट अ प्रॉपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसमें से जिसमें से मैं मेरा टैक्स का जो रेट है वो माइनस कर दूंगा अगेन एक्सपेक्टेड टैक्स रेट आई विल गेट एफ एमपी आफ्टर टैक्स एंड फाइनली वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर नेट एसेट्स मेथड वैल्यू ऑफ इक्विटी एज एफ एम पी डिवाइड बाई टू आई विल गेट द फेयर वैल्यू एंड इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल रहा था इमिडिएटली आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व इट तो देखो अभी ये है क्वेश्चन नंबर वन बेस्ड ऑन नेट एसेट एंड एफ एम पी मेथड तो साथ साथ में देखो क्वेश्चन एंड आंसर भी हो जाएगा आपका सही है ना देखो नेट फिक्स्ड एसेट दिया है

सेम वे मैं का कैलकुलेट कर सकता हूं so, देखो इन्होंने क्या बोला है कैलकुलेट बेस्ड ऑन नेट बेसिस एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड मेथड पे दोनों ही उसने बोल दिया है देखो एक बोल दिया नेट एसेट दूसरा बोल दिया है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड एंड साथ में उन्होंने देखो कितनी प्यारी चीज बोली है कंसिडर वेट ऑफ वन एंड थ्री फॉर कैलक्यूलेटिंग फेयर वैल्यू चलो वो भी यूज कर लेंगे अच्छा अब

बस उसी के बेसिस पे अपने को एक एक्सचेंज रेशियो सेट करना है यूजिंग मेथड एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर आईसीआई के लिए थ्री हंड्रेड करोड़ दिया ही है उसको एट परसेंट के ओ के साथ डिवाइड किया सेम वे यहां पे ये रहा नेट एसेट मेथड में वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड था थ्री हंड्रेड करोड़ का जो मेरा जोबिलिटी था वो मैंने माइनस कर दिया तो मुझे मुझे मिल गया यहाँ पे व्हिच इन दिस केस इज इन केस ऑफ एच लिमिटेड इज थ्री फिफ्टी इन टू हंड्रेड सो डिवाइड बाई हंड्रेड अपने को मिल जाएगा थ्री पॉइंट फाइव क्रोर रुपीज थ्री फिफ्टी क्रोर्स डिवाइड कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आ गया फेयर वैल्यू में याद रखना इधर मल्टीप्लाई बाय वन किया है डिवाइड बाई ऑब्वियसली थ्री प्लस वन फोर का वेट है सो so अपने को एक एक्सचेंज रेशियो सेट करने के लिए इट बिकम्स इजियर वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री फोर सेवन फाइव डिवाइड बाई एट सेवेंटी फाइव वी विल गेट द एक्सचेंज रेशियो वी विल गेट द एक्सचेंज रेशियो बस इस एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से इशूइंग कंपनी विल इशू शेयर टू द ट्रांसफरी कंपनी समझ में आ गया डर फिर बाद में इसका एक क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ जो एफ एम पी बेस्ड वैल्यूएशन का बात करते हैं इस क्वेश्चन में देखो रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ़ 77 सेवन आफ्टर थर्टी परसेंट पहला एडजस्टमेंट अपने को क्या बोला है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया कुछ उन्होंने बोला क्वेश्चन में एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी आइटम्स है एट लैक्स का इनकम टेन लैक्स का एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी लॉस तो जो टेन लैक्स का एक्स्ट्रो ऑर्डिनरी लॉस पहले कि ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बिकॉज यहां पे जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉस की वजह से कम दिख रहा है अब मैं उसको बैक कर दूंगा तो सही हो जाएगा वैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम को मैं लेस कर दूंगा आई विल गेट द आंसर फ्यूचर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला उसकी वजह से मुझे सेल्स करके एक प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है वो भी मैं यहां पे एक्सपेक्टेड टू हेलो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरीबॉडी सो दिस इज हाउ माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट विद ओवर अब अपन लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अब अपन लोग चलते हैं कंटेम्प्री अप्रोच टू वैल्यूएशन जिसमें आता है ईवीए एसवीए एमवीए एंड शॉप शॉप सो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ईवीए का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर सब एसवीए खाली थियोरी है एमवीए भी इससे कनेक्टेड है

और साथ में इन्होंने कुछ ऐसे एडजस्टमेंट बताए जिससे जो कंपनी ने अगर कोई विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन किया अकाउंटिंग में ऑल ऑफ दैट विल बी कि सो इकोनॉमिक कंपनी ने कितना वैल्यू एड किया है एज कंपेयर टू वॉट इट वॉज लास्ट ईयर सो इट इज अथड ऑफ इवेल्यूएटिंग कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो जैसा मैंने बोला एक फाइनेंशियल मेट्रिक ये एंड टेल्स दैट हाउ मच कंपनी जनरेटेड वैल्यू If there is a कलेक्शन of वेल्थ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सो इसी ने इनको पहला अपना यह operating दिया का मतलब आपने अपने धंधे से अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया है सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस बट ये कमाने के लिए आपने सोर्स ऑफ कैपिटल इक्विटी डेट प्रेफरेंस loans सब लिया होगा अब उनको भी तो आपको उनका रिटर्न देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड डिबेंचर और लोन वालों को उनका इंटरेस्ट वो माइनस करने के बाद जो बच रहा है ना वो रियल वैल्यू एडिशन है इक्विटी शेयर होल्डर का एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विच इज गिविंग बाय द फॉर्मूला नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अभी पहले सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट को उठाते हैं विच इज नोपैट तो अभी नोपैट को अपन समझने की कोशिश करेंगे सो नो विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्यों क्योंकि ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इसमें अगर कोई आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस डाले तो उसको अपन हटा देंगे तो सुनो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यहां पे डेबिट किया या फिर से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैंने यहां पे क्रेडिट किया अब मेरे को इसको यहां से हटाना है तो कैसे डिलीट का बटन नहीं होता है तो आप कोई भी डेबिट वाली चीज को अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर दोगे प्रॉफिट में इसने इसने आपके प्रॉफिट को कम किया है मेरे को इसको हटाना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एड इट बैक इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया अब मेरे को इसको हटाना है आई विल रिड्यूस इट सो एड क्या आपने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मैंने यहाँ पे देखो ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस क्या किया मैंने लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो था वो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया मुझे मिल जाएगा मेरा एडजस्टेड ई बी आई टी राइट इसमें से कोई अगर नॉन कैश एक्सपेंसिज है तो उसको भी अपन लोग एड कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट्स हो गया तो ये सारी चीजें एड हो जाएगी देखो डू नॉट एड डेप्रिसिएशन एज पर आईसी है हम वहां पे तो करते थे बट यहां पे उन्होंने बोला डू नॉट एड बैक डेप्रीसिएशन एक्सेप्ट ठीक है तो एडजस्टेडीआईटी तो so, तो अब क्वेश्चन तो है ना यूजुअली एडजस्टेड ईवीआईटी ही देता है इसमें आपको आपका टैक्स का कंपोनेंट माइनस करना है एंड आपको मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी हा So, यहां पे अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ राइटिंग लिख के आपको बताना है तो इट इज वेरी सिंपल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें अगर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ तो ऐड करो क्योंकि आपको चाहिए नोपैट नोपैट में एनओ ओ ओ क्या है ऑपरेटिंग इसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है देन इन दैट केस इन दैट केस आपको उसको लेस करना पड़ेगा यस yes, सर कर दिया अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है सो वी विल एड एनी नॉन कैश एक्सपेंस ये जो मेरे को मिल जाएगा वो है मेरा एडजस्टेड ईबीआईटी इसमें से मैं लेस कर दूंगा टैक्स मुझे मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस आपको सीधा ईबीआईटी दे दिया होगा उस ईवीआईटी में से आपको टैक्स माइनस करना आपको मिल जाएगा नो no पैट कभी कभी वो आपको पैट देगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा उधर से नो no पैट कैसे फाइन करना है वो अपन आगे देखेंगे बट ये एक प्राइम आइफी जो आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए नो no पैट का इज दिस सो so, दिया होगा उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे आपने को मिल जाएगा नो पैट आई क्लियर एवरीबॉडी यस सर अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं सो नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैन बी कैलकुलेटेड लाइक नोपैट इज इक्वल टू ईवीआईटी माइनस टैक्स रेट इन टू ईवीआई सर नो प्रॉब्लम अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं जब मैं आप लोगों को नेट एसेट वैल्यू बता रहा था डिवाइड बाय के ओ करते हैं ना तो उसमें देखो ये रहा, schedule of funds, amount, percentage, कितना आप लोगों का है and ये multiply करके, ये जो weight है ये ये करके जो इसको multiply किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूडेड है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल But and आ गया, है क्योंकि एक क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल एन दैट इज दिस इफ एनी इन टेबल एसेट लाइक पटेंट या ट्रेडमार्क पेटेंट so या ट्रेडमार्क अगर है तो उसका वो लोग ने अगर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है विच इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट वी विल इंक्लूड इट इन कैपिटल एम्प्लॉयड एट मार्केट वैल्यू सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं वापस हाईलाइट कर देता हूं पेटेंट या ट्रेड मार्क हुआ तो वी विल इंक्लूड इट इन कैपिटल एम्प्लॉयड एट मार्केट वैल्यू सो दैट इज हाउ माई सिस्टम वर्क समझ में आ गया एवरीबॉडी सो फॉर्मुला क्या बन गया नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदीए वर्किंग अब इसका एक सम भी करवाऊंगा विल बिकम मोर क्लियर अब आते हैं डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट ईवीआई क्वेश्चन है ना आपको देगा यहाँ पे पहला जो आपको करना चाहिए वही क्वेश्चन आपको देगा पैट

So, ये आपको मिल गया पैट एस पैट हाँ अपने को मिल गया Profit after tax as 70. आपको दिया है ये 70. आपको पहुंचना है ये हंड्रेड पे कैसे पहुंचोगे पैट अपॉन वन माइनस टी जीरो पॉइंट थ्री करो तो तो सेवेंटी डिवाइड बाय पॉइंट सेवन वेन यू विल डू यू विल गेट हंड्रेड तो पैट से ईबीआईटी में तो मैं पहुंच गया पैट से ईबीआईटी कैसे पहुंचा मैं Uh, मैंने किया पैट डिवाइड बाय अब मेरे को इधर पहुंचना है बेटा अब मेरे को इधर पहुंचना है, पे पहुंचना है है पे तो मैं कैसे पहुंचूंगा सो so, मैं क्या कर दूंगा अभी से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्वेंटी फाइव का इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है कुछ माइनस करने के बाद हंड्रेड आया तो यहां पे वन ट्वेंटी फाइव होगा तो मैं हंड्रेड से वन ट्वेंटी फाइव कैसे पहुंचा कहना इससे इंटरेस्ट को एड करके बस तो ये रहा आपका पहला से पहुंचना है तो इट विल बी पैट अपॉन वन माइनस इंटरेस्ट जब आप करोगे आपको मिल जाएगा आपका पे पहुंच गए, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो आपको no pat मिल गया तो मेन है बाबूजी? है पे पहुंचना, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला हेलो विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला पैट अपॉन वन माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट पैट अपॉन वन माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ए समझ समझी बॉडी यस सर फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट के ऊपर तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर याद रखना पैट दिया होगा और ईबीआईटी पे पहुंचना है सो इट विल बी पैट अपॉन वन माइनस टी प्लस इंटरेस्ट लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यार क्लियर हो गया होगा फिर बाद में नेक्स्ट सो ईबीआईटी अगर चाहिए और ईबीटी दिया है तो ईबीटी प्लस इंटरेस्ट कर सकते हैं ये तो अपने को पता ही है अभी अपन लोग ने देखा यार ईबीटी प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो ईवीआईटी पे पहुंच जाएंगे डन है अच्छा फिर बाद में आ जाता है अपना ईवीए डिविडेंड कभी कभी वो आपको बोलेगा कि हमको कुछ डिविडेंड देना है सच दैट जो आपका ईवीए है वो जीरो हो जाए तो कितना डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं सो उसको बोलते हैं ईवीए डिविडेंड तो आपके पास से फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड का आपका ईवीए आया है एग्जाम्पल टेन थाउजेंड एंड आपके पास टोटल टेन थाउजेंड शेयर है सो वॉट यू टेन थाउजेंड का शेयर है, है. So, है तो ट्वेंटी को आपको डिविडेंड देना है तो ये जो ईवीआई है उसमें से दो रुपए तक का आप डिविडेंड दे सकते हो जैसे ही दो रुपए का डिविडेंड दोगे तो फिर आपका जो ईवीए है वो जीरो हो जाएगा तो कितना डिविडेंड आप दे सकते हो सच दैट कि भाई आपका ईवीए ब्रेक इवन पे आ जाए सो इट इज ईवीए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी देन आई थिंक बाकी सब चीजें तो अपने को पता ही ईवीएडिंग uh, कभी अर्निंग फॉर इक्विटी दिया है तो अर्निंग फॉर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दोगे तो पैट आ जाएगा अपॉन ऑन वन माइनस टैक्स रेस्ट प्लस इंटरेस्ट कर दिया तो ये इसी का बोलते हैं ना डिराइव फॉर्मुला है हाँ एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने दिया है आपको फाइनेंशियल लेवरेज तो याद होगा आपको फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड लेवरेज आपने इंटर में पढ़ा था कभी अगर आपको फाइनेंशियल एवरेज दे तो फाइनेंशियल एवरेज में ना दो चीजें आती है ईबीआईटी और ईबीटी तो ईबीआईटी फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल लेवरेज दे सकता है अगर ऐसा होता है देन इन दैट केस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ईबीटी में वी विल राइट डाउन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आई क्लियर एवरीबॉडी सो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मुला पता होना चाहिए दैट्स मेन थिंग ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बी आई टी अपन ई बी टी को लिख सकते हैं ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट दैट कैन आल्सो वर्क तो हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल लेवरेज दे देगा क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको इंटरेस्ट दे देगा बैलेंसिंग फिगर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ई बी आई टी

एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये वाला एमवीए काम का है विच से मतलब मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन या वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर मार्केट माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू ऑफ इक्विटी दिख रहा है वो तो हम लोग ने जो ऑथोराइज कैपिटल के टाइम पे जो इक्विटी शेयर्स जो भी मंगवाया रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आ रहेगा तो वो मेरा एक इक्विटी का है वो बुक वैल्यू है बट इसका मार्केट में तो वैल्यू कोई और होगा से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस रिलायंस का आज का मार्केट का वैल्यू है एक शेयर का पांच हजार रुपया बट जब उन्होंने मानी ने जब इक्विटी शेयर मंगवाया था तब उसका वैल्यू होगा हंड्रेड रुपीज तो अब हंड्रेड का पांच हजार हो गया तो कितना मार्केट वैल्यू में ऐड हुआ है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड बस ये वही है मार्केट वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप करते हो यू विल गेट द मार्केट वैल्यू एडेड आई होप चीजें समझ में आ गई होगी अब इसको और एक कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है नॉट वेरी वेरी डोमिनेंटली यूज सो वॉट इज दैट इट इज मार्केट वैल्यू एडेड इज ईवीए अपॉन ईवी अपने को कैलकुलेट करना तो आता ही है डिवाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर तो ईवीए वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर एन ईयर जो भी है एड कर देंगे उसमें अपना जो टर्मिनल वैल्यू है एंड वी विल गेट ईवीए फॉर फ्यूचर पीरियड ईवीए फॉर फ्यूचर पीरियड डिस्काउंटेड एट टू वैल्यू सो so, अपने को मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईवीए, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ईवा कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एमवीए बट अगेन नॉट रियली यूज्ड सो यूज्ड वाला कौन सा है ये मार्केट मार्केट कैप माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट बट फिर भी आपको यहां पे मैं लिखवा दूं कि भाई यहां पे वैल्यू ऑफ future evas so present value of future evas is also called as mva present value of present value of future evas is called as is called as market value added samjhe so market value added को कैलकुलेट करना अपने को आ गया है EVA को को कैलकुलेट करना अपने को आ गया है, definitely यार एक सम तो बनता है, तो यहाँ पे मैंने एक सम लिया है आप लोगों के लिए पे एक Orange Limited के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूं तो अपने को देखो डब्ल्यू एस मार्केट कैप इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या आप मैं कैलकुलेट कर सकता हूं टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो एकदम इनडेप नहीं जा सकता वीडियो बट मैं आपको बोल सकता हूं दिस इज लाइक योर एसेट और उन्होंने डेट एसेट रेशियो आपको दे दिया है तो अब डेट एसेट रेशियो से आपको मिल जाएगा डेट ऊपर एसेट है अपना यहां पे डेट एसेट रेशियो पॉइंट एट आ रहा है सो वी विल यूज दैट इन कैलकुलेटिंग आर टोटल डेट सो उससे मुझे टोटल डेट मिल गया शेयर्स uh, आउटस्टैंडिंग है सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड प्री टैक्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ डेट ये कैपिटल है तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो लोग ने दे दिया है के एंड ऑपरेटिंग इनकम है मेरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो चलो भाई सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अपन लोग दैट व्हाट एग्जैक्टली हाउ मच एग्जैक्टली इज माय हा आ, नो पैट उसमें से माइनस कर देंगे अपन क्योंकि इधर देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है

माइनसाइव परसेंट करता हुआ है वो लोग ने clearly बोल दिया लाख लाख रुपए. रुपए. मैं का एक ले है, debt, है. Pre -tax है. तो तो उसको post -tax में convert कर देंगे, तो 16 minus 35 will be so, आ गया. अच्छा, टोटल डेट और एसेट कितना है तो डेट अपॉन एसेट्स का है ना उसने रेशियो दिया है so, अगर उसने अपने को ये दिया है, तो चलो ना, उसको यूज करते हैं तो डेट अपॉन टोटल एसेट इज इक्वल टू पॉइंट एट टोटल एसेट उसने अपने को बोला है एक लाख रुपया है, लाख रुपया थाउजेंड तो अगर एट्टी थाउजेंड का डेट है टेन पॉइंट फोर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो मैं कर दूंगा 80,000 थाउजेंड इंटू टेन पॉइंट सॉरी पॉइंट एट क्योंकि पॉइंट एट और पॉइंट टू का वेट्स बैठेगा

इन टू वन लैक करता हूं तो आता है थर्टीन फाइव ट्वेंटी सो थर्टीन फाइव ट्वेंटी एंड सिक्सटीन टू फिफ्टी का डिफरेंस एंड दैट एन टू सेवन थ्री जीरो शुड बी ईवीए फॉर ऑरेंज लिमिटेड देखो जरा आपको समझ में आ गया सो नोपैट ईवीआईटी ईवीआईटी माइनस ये मेरा नोपैट रिप्रेजेंट करता है ईवीआईटी माइनस टैक्स फिर बाद में

6100 द दर्निंग पर शेयर व्हेन वी मल्टीप्लाई कि 11 क्यों क्योंकि मुझे मिल जाएगा मेरा स्टॉक प्राइस व्हिच इज 14.3 पॉइंट थ्री आलियर एवरीबॉडी बस हो गया अब स्टॉक प्राइस आ गया मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर पी रेशियो से अपन लोग ने ईपीएस से एमपीएस निकाल लिया अब उसने बोला है मार्केट कैप निकालो मार्केट कैप क्या होता है एमपीएस नंबर ऑफ शेयर 6100 यू विल गेट द एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्वेश्चन ने बोला है अब समझो कोई आपको पूछता है कि भाई इसमें से 87320 तो आगे आपका मार्केट कैप इसमें से जब आप वैल्यू ऑफ इक्विटी एस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स माइनस करते हो से थाउजेंड तो आपको मिल जाता है एम वी एंड दैट इज सेवन टू थ्री जीरो क्या बोलता है पब्लिक एक तीर दो निशाने सो so, यहां पे एस्टिमेटेड मार्केट कैप निकाल लो पहले विच इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन टू मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 80,000 अभी अपन लोग ने देखा माइनस कर दिया मुझे मिल गया मार्केट वैल्यू एडेड मेरे को मिल गया मार्केट वैल्यू एडेड हे समझ गुड एवरीबॉडी यस सर चलो सो so, इसी के साथ ये मेरा ईवीए और एमबीए का कॉन्सेप्ट हो गया नाउ आई विल मूव ऑन टू सम न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड जिसका फ्रैंकली स्पीकिंग

देखो इसमें भी है ना मेन पूरा जो गेम है ना वो है कैश फ्लोस फाइंड करने का ठीक है कैपिटल बजेटिंग में मैं बताऊंगा आपको कैश फ्लोस कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे भी एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कैश फ्लोस फाइंड करना है एंड देन उसके बेसिस पे सम सॉल्व करना है नॉट प्रैक्टिकली यूज बट स्टिल ईबीआईटी जो अपन लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया तो ईबीटी लेस टैक्स तो अपने को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाता है अपने अपने को 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 चाहिए चाहिए तो 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 कभी भी 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 हटा 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 देंगे तो को भी दिया -cash को दिया अपने को मिल गया इसमें फ्यूचर होने वाला कोई फिक्स एसेट का एक्सपेंस या वर्किंग कैपिटल का इनकम एक्सपेंस जो भी है वो अपन लोग माइनस कर लेंगे अपने को मिल जाता है फ्री कैश फ्लोज इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंट कर दो एट अप्रोप्रिएट रेट टर्मिनल वैल्यू लास्ट वाला है एड कर दो वी विल गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी क्लियर एवरीबॉडी सो यहाँ पे ये जो ऊपर के जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना है इसमें ऐड बैक करेंगे अपन लोग डेप्रिसिएशन वी विल गेट द नेट कैश फ्लोस नेट कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है एट द डिस्काउंटिंग फैक्टर टर्मिनल वैल्यू उसमें एड कर देना है अपने को मिल जाता है बाद में आ जाता है मेरा चॉप शॉप या एंटरप्राइज वैल्यू मैथडे आप लोग को इसका आइडिया नहीं होगा बट मैं आपको बता दू इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया आईसीआई ने बस उसको अपने को ट्राइज़ टू टिफाई मल्टी इंडस्ट्री कंपनीज़ जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी है जैसे टाटा है तो बोलते हैं ना टाटा सेल्स फ्रॉम सॉल्ट टू एवरीथिंग तो टाटा का मोटर्स भी है टाटा टाटा पावर भी है if they are into uh, probably everything so tata motors ho gaya tata powers ho gaya tata steel ho gaya tata Sons sunze to ye alag 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 unke businesses hai to aise hi yahan pe dekho teen business identify kiya par log ne consumer wholesaling specialty service and assorted centers suppose question aata hai aapko aisa kuch different industries के different segments के ऊपर, then you have to use the chop shop model और वो question में आपको देगा। आपको तीन पार्ट में उसको डिवाइड करना है पहला कैपिटल टू सेल्स रेशियो जो क्वेश्चन देगा आपको कैपिटल टू एसेट रेशियो और कैपिटल टू ऑपरेटिंग इनकम अब कैपिटल टू सेल्स रेशियो मैंने निकाल लिया कंज्यूमर uh, होलसेलिंग का और मैं देखूंगा कि भाई उसका कंज्यूमर होलसेलिंग का सेल्स कितना है आई विल गेट समथिंग कॉल्ड एज द थ्योरेटिकल वैल्यू सेम वे यहां पे मैं थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा बाकी सेगमेंट्स का भी सर कुछ नहीं समझा अब आप आपस से बताओ बताता हूं देखो आप सबसे पहले कहना ही सही यहाँ पे आप लोगों को तीन मेरे अलग अलग बिजनेस के सेगमेंट्स दिख रहे हैं तो पहले आपको देखना है कि भाई मेरे कितने बिजनेस के सेगमेंट्स हैं तो मेरे पास तीन सेगमेंट है एक है कंज्यूमर होलसेलिंग जैसा कि आप लोग देख सकते हो सो योर आई विल राइट डाउन कंज्यूमर होलसेलिंग ओके okay. दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशलिटी सर्विसेज सो इधर मैंने लिख दिया स्पेशलिटी सर्विसेज एंड तीसरा मैंने लिख दिया असोर्टेड सेंटर तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेगमेंट है इन तीनों सेगमेंट का मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होगा अलग अलग रेशियो तो एक होता है कैपिटल टू सेल्स रेशियो एक होता है कैपिटल टू एसेट रेशियो एंड कैपिटल टू एसेट रेशियो एंड एक है मेरा कैपिटल टू इनकम रेशियो टू सेल्स कैपिटल टू एसेट एंड कैपिटल टू इनकम अब कैपिटल टू सेल्स रेशियो से फॉर एग्जाम्पल मेरा कंज्यूमर होल सेल सेगमेंट का आया पॉइंट सेवन फाइव अब मैं देखूंगा कि वो सेगमेंट का मेरा सेल कितना है सो योर आई चेक इट इज से यूरोन लैक सो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे मिल जाएगा थियोरेटिकल वैल्यू सो से यूरो फिफ्टीन लैक मिल गया मुझे मिल गया थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दिस बस एक थ्योरेटिकल वैल्यू इधर मेरे को मिल जाएगा ऐसे ही मेरे को थ्योरेटिकल वैल्यू कैपिटल टू एसेट रेशियो का फाइंड करना है एंड ऐसे ही मेरे को यहाँ पे uh, एक थियोरेटिकल वैल्यू कैपिटल टू ऑपरेटिंग इनकम का फाइंड करना है अब नोट करना जब मैं कैपिटल टू सेल्स रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं जो रेशियो है उसको सेल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर कैपिटल टू एसेट रेशियो अगेन ये सब गिवन होगा क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना कैपिटल टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं आई विल गेट दिटिकल वैल्यू एट ऑल थ्री लेवल कैपिटल टू सेल्स लेवल कैपिटल टू लेवल कैपिटल टू ऑपरेटिंग इनकम कैसे आया इट इज द रेशियो दैट विल बी गिवेन मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका एसेट है अगर

फाइनली को एड कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स किया इसी को कहते हैं टन सो ये मेरे कंटेम्पररी कुछ मेथड्स थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाए थे तो ये हो गए मेरे सो so, ये देखो मेरे कंटेम्पररी मेथड्स में क्या क्या था ईवीए डन एसवीए डन एमवीए डन चॉप शॉप मेथड टन अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट बीटा यस यर इज सो अब आ रहे अपन लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है एसेट बीटा बोल सकते हो प्रोजेक्ट बीटा अनलिवर्ड बीटा मैं आपको यहां पे दो एग्जांपल्स करवाने वाला हूं इन दो एग्जांपल्स के अलावा आपको इस वाली चीज चीज के लिए सोचना ही नहीं है जी तो जो भी आप ऑप्शन में जाओगे उसको मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूँ डोंट वरी एंड उसको सिंप्लीफाइड वे में अपने को यहां पे करना है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई कोई चैप्टर में इश्यू होते हैं जैसे कुछ लोग है जिनको फॉरेक्स समझ में ही नहीं आता सो आई so,

डिस्क्रिप्शन पे या यहाँ पे नंबर दिया है टिकर पे यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड टेक ऑल डिटेल्स राइट चलो ऑन दैट नोट अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग प्रोजेक्ट बीटा के साथ सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस देखो लिस्टेड बीटा कितना इंपॉर्टेंट है ये अपने को, के CAPM, शार्पे ने है कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेलो है, so yes आपको बोल रहा हूं यही जो मेरा बीटा है ये मेरे लिस्टेड कंपनीज के लिए तो निकालना बहुत इजी है डिफरेंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन डिफरेंस ऑफ मार्केट सिक्योरिटी बीटा ऑफ लिस्टेड कंपनी फाइंड कर लूंगा व्हाट अबाउट बीटा ऑफ अनलिस्टेड कंपनी वो भी तो मेरे को चाहिए होता है कई बार बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज हो रहा हो तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है एंड दैट इज वेयर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट बीटा क्या टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज हेलो बीटा ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हाँ चलो आ जाओ देखते हैं सबसे पहला है मेरा सिनेरियो ए रहा। तो सबसे पहले चीज मेरे को जो करनी बस आपको इतना ही फॉलो करना है इसके साथ ही एग्जाम्पल भी दे दूंगा पब्लिक एग्जाम्पल भी हो गया ना तुम लोगों को फिर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सबसे पहला काम ये जो ये पार्ट है दो है एक है सिनारियो बी के ऊपर मैं पहले बात करता हूं सबसे पहला काम होता है आपको एसेट बीटा यूज करना है और उससे आपको अनलिस्टेड कंपनी का बीटा मिल जाएगा सर कंफ्यूज हो गए वापस से बताता हूं सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है लिस्टेड कंपनी का असेट बीटा तो सर लिस्टेड कंपनी का अट बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे करेक्ट गुड क्वेश्चन आओ मैं बता दो सबसे पहले अपने को यहां पे लिखना है बीटा ऑफ इक्विटी इनटू जो भी वेट है इक्विटी का तो इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इनटू वन माइनस टी फिर बाद में आ जाता है डेट डेट का जो वेट है इनटू डेट इनटू वन माइनस टी अपॉन ई प्लस डी इनटू वन माइनस टी तो यहां पे अगर आप लोग नोट करोगे तो मेरे पास ये जो दोनों चीजें हैं उसमें अपन लोग वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको अपने बीटा इक्विटी को तो देखो बीटा इक्विटी ऑफ लिस्टेड शेयर्स तो अवेलेबल होता है अपन लोगों को तो निकालना भी आता है सीएपीएम के थ्रू बीटा ऑफ डेट क्वेश्चन देगा नहीं दिया तो अपने को अज्यूम करना है जीरो ये देखो इधर क्या लिखा है बीटा डेट इज टू तो बी अज्यूम्ड जीरो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तो जैसे ये मेरा बीटा डेट जीरो होता है क्या इसे पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया अब ये वैल्यू जीरो हो गया बाकी मेरे पास ये वैल्यूज है मुझे मिल जाएगा एसेट बीटा ठीक है अभी जो असेट बीटा मेरे लिस्टेड कंपनी का है वही असेट बीटा मेरे अनलिस्टेड कंपनी का भी होगा इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी ये मेरे लिए आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर ये मेरे लिए है बैलेंसिंग क्या जो मेरा यहाँ पे beta of debt है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ये हुआ तो ठीक अदरवाइज ये जीरो होता है अगर ये जीरो हुआ तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बीटा इक्विटी आपको मिल जाएगा चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं एवरीबॉडी अटेंशन रिवीजन के अंदर वाह सो so, अपने को फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या लिस्टेड कंपनी का एसेट बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में Tension नहीं लेने का बेटा e, e में दिया होगा डी वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया होगा तो ई अपॉन ई प्लस डी इंटू वन माइनस डी प्लस डेट का डेट uh, का बीटा

एसेट बीटा ऑफ लिस्टेड कंपनी बीटा ऑफ इक्विटी तो दिया वही होगा इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो द मोमेंट वी सब्सिट्यूट इट आधा काम हो गया क्योंकि अपने पास ये है ये है वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट अनलिस्टेड कंपनी का मिल जाएगा बीटा uh, ऊपर से मिल गया है बीटा इक्विटी विल बिकम अ बैलेंसिंग

प्लस बीटा ऑफ डेट कुछ नहीं दिया है तो जीरो अज्यूम टू बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया अट बीटा हेलो मुझे मिल गया बीटा इधर एज इट इज उसको इधर मैंने देखो सब्सिट्यूट कर दिया इधर इधर एज एज इट इट इज इज मैंने कर दिया बीटा इक्विटी इनटू सेम वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट वैल्यू ऑफ डेट इनटू वन माइनस टी करके मुझे मिल गया बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज वन पॉइंट सिक्स फोर फिर बाद में आ जाता है सिनारियो बी के ऊपर तो ये मेरा फर्स्ट सीनारी हो गया बस दो ही सीनारियो के ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल है अदरवाइज नहीं आएगा डोंट वरी सिनारियो बी जो है मेरा दैट से दो बिजनेसेस है और दोनों का आपको डेट बीटा एसेट एसेट बीटा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो यहां पे एसेट बीटा

बाकी सब चीजें तो अपने पास है e है e प्लस डी इंटू वन माइनस टी है ये कुछ नहीं दिया है तो जीरो अगर ये दिया होगा तो इसको substitute कर लेंगे बैलेंसिंग फिगर विल बी बीटा इक्विटी जो अपन लोग ढूंढ रहे हैं जो अपन लोग ढूंढ रहे हैं अभी क्लियर है सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स गॉट इट गाइस आउट एग्जांपल करते तो ये अपने को और क्लैरिटी आएगा सो so, ये देखो यहां पे असेट बीटा दिया हुआ है दो कंपनी का रेशियो वेट दिया हुआ है दोनों कंपनी का अपन लोग ने यहाँ पे असेट बीटा ओवरऑल फाइंड कर लिया इधर लिया फिर बाद में दोनों कंपनी का डेट और इक्विटी दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वैल्यू ऑफ डेट भी है इस क्वेश्चन में डेट का बीटा भी दिया है तो वो भी अपन लोग ने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया वी विल गेट हेलो वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज बीटा ऑफ इक्विटी डन ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट बीटा असेट बीटा जिससे आपको डर लगता था अब नहीं दो खाली तरीके यूज करने हैं बस आप प्रॉपरली ये मैजिक बुक को वापस गो थ्रू कर लो वापस से दो तीन बार मेरा लेक्चर सुन लो सेट हो जाएगा मैं तो बोलता हूं जो एग्जांपल दिया है वो साथ साथ में सॉल्व कर लो और क्या चाहिए मैं तो बोलता हूं वापस से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो और क्या चाहिए समझे क्या

कैपिटल साइड पे उसका मार्केट वैल्यू लेस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल गेट यू एंटरप्राइज वैल्यू एंड दूसरा है एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा सो एंटरप्राइज वैल्यू तो ऊपर से अपने को कैलकुलेट करना आता है एबिटा इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स सो रिप्रेजेंट्स अमाउंट अवेलेबल टू डेट एंड इक्विटी होल्डर्स सो ईबीआईटी जैसा काइंड kind ऑफ of है ये आपका एबिटा सो दैट्स इट अगर बोला ईवी एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट करो तो एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा तो ईवी टू रेशियो देगा एंटरप्राइज एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स बोला तो एंटरप्राइज वैल्यू समझ यू एवरीबॉडी तो प्रोजेक्ट बीटा भी हो गया ईवी टू एबिटा भी हो गया ईवी टू सेल्स भी हो गया That's it. अब लोग आ रहे मॉडल फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एंड चैप्टर खत्म हो गया चलो सो फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली आईसीआई पता नहीं क्यों इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है बट मेरे को अगर पूछो ना तो मैं किसी भी कंपनी को वैल्यू इसी बेसिस पे करूंगा बॉस कितना तेरे पास रोकड़ा है आजकल ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना ये हवा में इतना कूदती है वैल्यूएशन के बेसिस पे इनका फ्री कैश फ्लो देखो आप आंखों से आंसू निकल जाएंगे ये एटेक फर्म्स जो बायजूज है मोस्ट वैल्यूड कंपनी में से था से दो साल पहले वाई

रियल में आपके पास अभी फॉर्म में पास कितना कैश है फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेशन ऑफ कैश है उसका सीरीज ऑफ कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड है उसको डिस्काउंट कर दो आप प्रेसेंट वैल्यू पे एंड दैट्स हाउ योर फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वर्किंग इज ऑल अबाउट फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म नाम देखो फॉर्म मतलब इसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स सब आ गए तो फॉर्म के पास टोटल कितना फ्री कैश फ्लो है तो अगर फॉर्म के पास फ्री कैश फ्लो कितना है किन लोगों के लिए इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर तो इन तीनों के लिए फॉर्म के पास कितना फ्री कैश फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज फ्री फ्री कैश कैश फ्लो फ्लो टू टू इक्विटी क्या होगा मुझे बताने की अब जरूरत ही नहीं है यस टू अवेलेबल कैश फ्लो अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दो टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे दो सबको देने के बाद जो पैसा बच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी फर्म के लिए कैश अवेलेबल टू ऑल फॉर्म सप्लायर्स ऑफ कैपिटल जिसमें डेट आ गया प्रेफरेंस आ गया इक्विटी आ गया सो आफ्टर पेइंग आउट ऑल एक्सपेंसिस कीपिंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट तो फिक्स कैपिटल और नेटवर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा पैसा साइड पे रख दिया टैक्स पे कर दिया उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म है आओ इसको थोड़ा और अपर लोग इवेल्युएट करते हैं देर आर फोर वेज टू फाइंड आउट फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्यों मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला है देखो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू द फर्म आफ्टर कीपिंग आफ्टर पेइंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर पेइंग टैक्स आता है बट मुझे फाइंड आउट करना है फ्री कैश फ्लो टू फर्म मतलब ऐसा कैश फ्लो जो डिबेंचर होल्डर्स के पास भी अवेलेबल है तो पैट इज आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट उट तो करना है इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स का इंपैक्ट दे चुका हूं डिप्रीसी नॉन कैश एड कर दूंगा क्यों क्योंकि फिर नॉन कैश आइटम अगर और कोई ऊपर जो डेबिट क्या है एड कर दूंगा और केपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा पैसा साइड पे रखने के बाद जो पैसा बचता है बेटा ये है रियल फ्री कैश फ्लो इसके बेसिस पे मैं तुम्हारी औकात डिसाइड करूंगा जी हाँ एंड दैट्स हाउ द कंपनीज शुड बी वैल्यूड सच्ची बोलता हूं रियल औकात तुमको पता चलेगा कितनी सारी कंपनीज है जिनका मैं देखता हूं यार इन लोगों का टर्नओवर है 900 हंड्रेड बट इन लोगों का प्रॉफिट है सुनना 900 हंड्रेड करोड़ का टर्न ओवर है बट इनका प्रॉफिट है फिफ्टी फाइव लैक्स लाइक सीरियसली मतलब 900 करोड़ का रेवेन्यू देख के आपको क्या लगेगा ये लोग वैल्यूएशन देखो कैसे नाइन हंड्रेड करोड़ का मेरा सेल्स आया सेल्स इन टू टेन टाइम इज माई वैल्यूएशन टेन एक्स ऑफ सेल्स इज माई वैल्यूएशन नौ हजार करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कितना पचपन लाख अरे भाई इसको थोड़ा लाओ लेवल पे इसको लेकर आओ पैट के बेसिस पे वैल्यू करो तो फिफ्टी फाइव लैख और प्लस थोड़ी बहुत चीजें जो एड होगी माइनस केपेक्स माइनस नेटवर्किंग कैपिटल करके देखता हूं क्या वैल्यू बनेगा यार क्या बात करते हो सो दैट्स हाउ द रियल कंपनी शुड बी वैल्यू बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो फॉर मी ऑलवेज रियल कैश हैज बीन द रियल डिसाइडर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी जब आप बड़ी कंपनी मैंने जेपी मॉर्गन में कंपनीज का वैल्यूएशन किया है तब ये सब चीजें प्रैक्टिकली यूज की है एंड फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे ही कंपनीज को वैल्यू किया है ये तो अब थोड़े चीजें तरीके बदल गई अच्छा पैट कैसे कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग ईबीआईटी देते हैं तो ईबीआईटी माइनस वन माइन इन टू ये भी खाली मेन क्या है मेन ये एक ही फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ के और दो तीन फॉर्मूलाज बनाया इसमें मुझे इतना ज्यादा सही नहीं लगता है ये बट ठीक है तो ई बी आई टी को आई कैन राइट एज पैट प्लस इंटरेस्ट वन माइनस टी तो मेरा ये फॉर्मूला इधर थोड़ा बदल गया तो so इधर देखो इधर क्या था मेरा से ई बी आई टी था ई बी आई टी था ये लो इधर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया पैट प्लस इंटरेस्ट वन माइनस टी के साथ आप लोग कंपेयर करोगे जैसा मैंने ईवीएम में बताया था ना कि So, मतलब उसमें से डिप्रीसिएट so, के लिए आपको कुछ चाहिए साइड पे जो बच गया आपका फ्री कैश फ्लो टू सो मेन so ये है उसके बाद ये सब खाली उसके डेरिवेशन है अगर कभी आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो आप पैट पैट निकालो एज डेप्रिसिएशन और नॉन कैश आइटम ऐड कर दो फिर बाद में पे वो लोग ने बोला है गिव द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एड बैक इंटरेस्ट वन माइनस टी ऊपर का चेंजेस इन फिक्स्ड कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट हा ये आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन राइट सो यू कैन यूज दिस एज वेल ये देखो इधर डबल डबल आ गया मैं आपको बता वरी डर सबसे मेन ये वाला ये वाला आपने को समझ गया डन अब खाली यहां पे थोड़ा एडजस्टमेंट है कि भाई पैट के जगह पे यू कैन राइट ई बी आई टी वन माइनस टी ठीक है सो पैट सी दिस जो है ना पैट प्लस इंटरेस्ट वन माइनस टी दिसनस टी कैन बी रिटर्न टी तो ये हट गया ये आ गया बाकी ज्यो का त्यो बाकी ज्यो का त्यो समझे समझे सर अगर कभी नेट कैपेक्स दिया है तो पैट है प्लस इंटरेस्ट वन माइनस टी है तो ये तो ये अपना एज इट इज जो इधर है इधर ही आ गया नॉन कैश आइटम भी ऐड हो गया। भी same same है। खाली एक चेंज हो रहा है तुमको मेन क्या है बाबू जी मेन मेन फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले में मैं रेड में हाईलाइट करता हूं इसको इधर चेंज करके कर दिया ये मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूं इसको और इसको चेंज करके इधर कर दिया नेट केपेक्स

तुम को दिख जाएगा ये इज इक्वल टू कैश फ्लो फॉर्म ऑपरेशन इसमेंट कर लो तो आपको अगेन यहाँ पे FCFF मिल जाएगा सपोज uh, आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दिया है तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दिया होगा तो add बैक क्या इंटरेस्ट वन माइनस टी क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में तो इंटरेस्ट उतना माइनस होके जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सब माइनस करने के बाद जो बचा है वो दिखेगा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में तो तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट वन माइनस टी प्रिंसिपल अगर कुछ रिपे हुआ है न्यू डेट इशूड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड सो अलग अलग ऐसे तरीके है फिर आता है आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मतलब खाली इक्विटी शेयर होल्डर के जो पैसा बचा है तो नेट प्रॉफिट एट डेप्रिसिएशन कैश फ्लो इसके लिए एट डेप्रिसिएशन चेंज इन वर्किंग कैपिटल केपेक्स का टेंशन नहीं है एड न्यू डेट अगर आप अभी यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है केपेक्स का खाली इक्विटी शेयर पोर्शन लेना है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो केपेक्स जब आप खरीदते हो फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो किसके पैसे से खरीदने वाले हो आप ये फिक्स्ड एसेट आप मुझे बताओ फिक्सड एसेट फ्रॉम टू सोर्सेसिटल इक्विटी एंड डेट बराबर है तो इक्विटी वाला पूरा का पूरा इसमें क्यों माइनस होगा इक्विटी वाला बोलेगा आपको, देगा. देगा? आपको रेशियो देगा भाई डेट रेशियो क्या है इक्विटी रेशियो क्या है वो देगा आपको डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी तो आपको इसे पता चल गया भाई इक्विटी का रेशियो कितना है तो उसको इतना ही परसेंटेज अपना अप्लाई होगा ये देखो यहाँ पे भी FCFE, PAT से स्टार्ट होता है तो पैट मतलब एकदम लास्ट लेवल इसमें एड नॉन कैश कर दिया अपन लोग ने ठीक है कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो माइनस कर देना एंड फिर बाद में बोला है चेंज इन वर्किंग कैपिटल साइड पे रख दो बट किसका शेयर खाली इक्विटी रेशियो का शेयर फिर यहां पे केपेक्स साइड पे रख दो किसका शेयर खाली इक्विटी रेशियो का शेयर क्यों क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है तो इसके लिए खाली इक्विटी का शेयर इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा खाली इक्विटी का शेयर इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड केपेक्स केपेक्स आएगा ऐसे यहां पे पे भी भी है तो जो भी आप साइड रख रहे हो इक्विटी का ही पोर्शन चेंज इन वर्किंग कैपिटल में भी यस खाली इक्विटी का ही पोर्शन दोनों के लिए खाली इक्विटी का ही पोर्शन आएगा बाकी अगर कोई नया डेट आने वाला है तो उतना पैसा बढ़ गया डेट रीपे करने वाले हो तो उतना पैसा कम हो गया प्रेफरेंस शेयर से कुछ पैसा आने वाला है तो ऐड प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड देने वाले हैं तो इतना लेस एंड दैट विल गिव यू योर एफसीएफई मेन वाला कौन सा फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम के लिए आपको करके जाना है बाबूजी मेन वाला है ये वाला फॉर्मूला आपको वो पैट देगा नॉट नौ, नॉन कैश एक्सपेंस देगा पैट में नॉन कैश एक्सपेंस एड कर देना चेंज इन वर्किंग कैपिटल का इक्विटी रेशियो चेंज इन के इक्विटी रेशियो वी विल गेट द एफ सी एफ का आया बस अब काम खत्म होने का अब आपने को फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म ऊपर वाले मेथड से निकाल लो अभी फॉर्मूला अपना वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी वैसा ही है ये भी तो डिविडेंट मतलब FCFF, जो भी ग्रोथ है अपॉन -E के ई के जगह के ओ क्योंकि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवेंचर प्रेफरेंस

फिर उसका जो टर्मिनल वैल्यू आएगा वो टर्मिनल वैल्यू ये यहाँ पे ऐड हो गया ये टर्मिनल वैल्यू को भी ऐड कर देना है एंड यू आर डन सो बेसिकली वैल्यू ऑफ फॉर्म इन केस ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म इज वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस माइनस कैश क्योंकि कैश तो इवेंचुअली आप ही के पास आने वाला है सो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू अभी क्लियर डन है सर डन है बस अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को खाली गो थ्रू करवा देता हूं एंड गाइज इग्नोर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा कैसा लग रहा है और भी चैप्टर्स चाहिए कुछ चाहिए और कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है आइए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट फॉर फोर तो अभी देखो रेवेन्यू ईबीआईटी कैपेक्स डेप्रिसिएशन दिया है ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ईबीआईटी दिया है जो मैं यहां पे यूज करूंगा देखो 2400 का रेवेन्यू है मैं 20 परसेंट एड करता हूं टू टू एट एट जीरो हो जाता है क्योंकि यहां पे 20 परसेंट का ग्रोथ बोला है समझे कि नहीं एवरीबॉडी सो so, जो भी ग्रोथ बोला है वो अपने को अप्लाई करना है ये केपेक्स 96 बोला है बट केपेक्स के लिए देखो ग्रोथ क्या बोला है केपेक्स के लिए ग्रोथ बोला है सर 20% का तो 96 पे सर 20% ऐड किया सर 115.2 आ गया सर 115.2 आ गया राइट ओके सो ईबीआईटी में भी ग्रोथ बोला है 20% ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू एंड ईबीआईटी 20% सो so, 300 है यहां पे हो गया वो थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी था और ट्वेंटी परसेंट एड करो तो थ्री सिक्सटी में ट्वेंटी परसेंट एड किया ये हो गया बेटा 432. बस यही कहानी है अपने कॉन्सेप्ट की अब रेवेन्यू, ईबीआईटी आ गया ईएटी तो टैक्स माइनस करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जो ग्रोथ है वो है डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो आएगा वो सब अप्लाई करके फाइनली वी हैव टू ट हाँ ये देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज ट्वेंटी इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट आता है सर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे आया सर आओ मैं आपको दिखाता हूं डोंट वरी देखो क्या बोला है रेवेन्यू का पच्चीस टका बराबर है तो रेवेन्यू है दो हजार उसका पच्चीस टका कितना होता है पांच सौ मैं बता मैं फिर अब रेवेन्यू हो गया दो हजार चार सौ बेटा तो रेवेन्यू हो गया दो हजार चार सौ सो दो हजार चार सो का पच्चीस टका छह सो चेंज हंड्रेड का चेंज हंड्रेड का सर और एक बार करके बताओ अब सो टू एट एट जीरो है समझो यहाँ पे टू एट एट जीरो का पच्चीस टका सो टू एट एट जीरो का पच्चीस टका सर सर का 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 हुआ है फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और so, यहाँ पे तो वो लोग ने सब अपने को बाकी सब चीजें तो दी हुई है यार सो इट इज मच मैनेजेबल ये लोग ने देखो पे अलग से लेस किया है अब आप एड टू फोर्टी करो लेस करो थ्री थर्टी सिक्स इवेंचुअली आने वाला तो नाइनटी सिक्स ही है तो दो अलग अलग खाली तरीके बस ये करते करते आपको मिल गए फ्री कैश फ्लो टू फर्म इसको आपको बस डिस्काउंट करना है ये आपने डिस्काउंट किया यूलट टू वन सेवन पॉइंट थ्री एट फिर आप लास्ट में एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे एंड यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द फॉर्म सो ये टू वन सेवन पॉइंट से आता है अब टर्मिनल वैल्यू के बेसिस के ऊपर भी मैं कैलकुलेट करूंगा so, आता है मेरा so, देखो यहां से आ रहा है पूरा उसको डिस्काउंट करना है के माइनस जी पे so, के ई माइनस जी पे लेकर आ गए लास्ट जो था फोर्थ ईयर उस पे उसको डिस्काउंट करेंगे एंड व्यू विल गेट द फाइनल टर्मिनल वैल्यू

आप लोग के साथ शेयर होती रहें्लीजिग्राम चैनल करना वहां पे हम रेगुलर बेसिस पे क्विज करते रहते हैं आप को कम्फर्ट जोन को तोड़ो हम भी तोड़ रहे हैं, देखो भाई uh, आज मॉर्निंग में बहुत ज्यादा मेरे को थकान हो रही थी बट यही रिविजन लेक्चर रिकॉर्ड करने थे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर कर लो प्लीज एंड देन आई वाज लाइक चलो यार थकान तो होती रहेगी चलती रहेगी दस मिनट का मैंने एक पावर नैप लिया केम आउट एंड मैं चलो चलो अब जान लगा देंगे दैट्स यू हैव टू डू कभी अगर ऐसा लग रहा हो दस मिनट का पंद्रह मिनट का एक अलार्म डाल के रिस्टार्ट बटन दबा दो पावर नैप ले लो आ जाओ एंड देन देर इज नो लुकिंग बैक एंड वो हो जाने के बाद

टारगेट्स जो आप लोगों ने प्लान किया है वो कर लो ना उसको कंप्लीट स्ट्रेस फ्री हो जाओगे नाम के आगे चार्टर्ड लग जाएगा लेट मी नो एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड मच लविस्ता केयर